आज की वीडियो में आपको बताऊंगा ड्रामा सीरियल इडियट आने वाले अदाकारों की हकीकी मियां बीवी के बारे में। परीजात ड्रामे के बाद अहमद अली अकबर अब इस ड्रामे में अदाकारी के जौहर दिखाते हुए नजर आएंगे। इस ड्रामे में मंशा पाशा के साथ कास्ट है। अगर आप भी इनके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मलिक एस के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं नामवर अदाकार सलीम शेख की। सलीम शेख कामयाब अदाकार है। इनकी मैरिज लाइफ की बात करें तो ये असल जिंदगी में शादीशुदा है। इनकी शादी नुशीन शेख के साथ हुई थी। अब इनकी फैमिली में इनकी तीन खूबसूरत बेटियां हैं। हाल ही में फेरी टेल ड्रामे में बहुत ही अच्छी अदाकारी करते हुए नजर आए थे। अब बात करते हैं अतीका ओडो की। अतीका ओडो भी कामयाब अदाकारा है। इनका नाम सीनियर अदाकारों में शामिल होता है। हाल ही में कैसी तेरी खुद गर्जी ड्रामे से काफ़ी शोहरत मिली थी। दानिश तैमूर की वालदा का किरदार निभाया था। इनकी मैरिट लाइफ की बात करें तो इनकी शादी समर अली खान के साथ हुई थी। अब अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है। अब बात करते हैं फजर खान की। फजर खान का नाम भी सीनियर अदाकारों में शामिल होता है। कलंदर ड्रामे से शोहरत पाने वाली फजर खान अब इस ड्रामे में अदाकारी के जौहर दिखाते हुए नजर आएगी। इनकी मैरिज लाइफ की बात करें तो ये अभी तक सिंगल जिंदगी गुजार रही है। इन्होंने अभी तक शादी करने का नहीं सोचा। अब बात करते हैं शमील खान की। शमील खान आजकल खेल ड्रामे में बहुत ही अच्छी अदाकारी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस ड्रामे में भी नजर आएंगे। इनकी मैरिज लाइफ की बात करें तो ये असल जिंदगी में शादीशुदा है। इनकी खूबसूरत एलिया ड्रामे शोबे से बिलोंग नहीं करती। अब इनकी फैमिली में इनकी एक बेटी और इनके दो बेटे हैं। अपनी फैमिली के साथ पिक्चर शेयर करते हैं। अब बात करते हैं सारा इजाज खान की। सारा इजाज खान भी कामयाब अदाकारा है। हाल ही में मीसनी ड्रामे में बहुत ही अच्छी अदाकारी करते हुए नजर आई थी और इनकी अदाकारी को बहुत ही पसंद किया गया था। इनकी मैरिज लाइफ की बात करें तो ये अभी तक सिंगल जिंदगी गुजार रही है। इन्होंने अभी तक शादी करने का नहीं सोचा। अब बात करते हैं खूबसूरत अदाकारा मंशा पाशा की। मंशा पाशा भी टॉप एक्ट्रेस और मॉडल है। कई मशहूर ड्रामास में अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। अब इस ड्रामे में मरकजी किरदार निभाते हुए नजर आएगी। इनकी फैमिली में इनकी वालदा। इनकी मैरिज लाइफ की बात करें तो इनकी शादी मोहम्मद जिब्रान नासिर के साथ हुई थी। अपने शौहर के साथ अच्छी जिंदगी गुजारते हुए नजर आ रही है और पिक्चर भी शेयर करती है। अब बात करते हैं अहमद अली अकबर की। अहमद अली अकबर ड्रामा सीरियल परीजात से काफ़ी शोहरत मिली है और रातों रात शोहरत की बुलंदियों को छूने लगे हैं। यमुना जैदी के साथ कास्ट किया था। यमुना जैदी ने क्रोतलन ऐनी का किरदार निभाया था और इस कपल को बे इंतहा पसंद किया गया था। आप भी इन्हें पसंद करते हैं तो दिल से लाइक करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अहमद अली अकबर की मैरिज लाइफ की बात करें तो ये अभी तक सिंगल जिंदगी गुजार रहे हैं। इन्होंने अभी तक शादी करने का नहीं सोचा। ये थी हमारी आज की वीडियो। इन अदाकारों में आपका पसंदीदा अदाकार कौन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मलिक एस के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें, मिलता है नई वीडियो नए टॉपिक के साथ।